हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने ऊपर देख लिया होगा कि हम आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हम बच्चों में फीवर लगातार अगर आता है और उनको बार बार तेज़ बुखार आ जाता है तो आप कौन सी दवाई दे सकते हैं और कौन सी दवा किस तरीके से काम करती है। आपको एंटीबायोटिक के साथ, जिसमें पाउडर वाला जो सायरप आता है जिसमें पाउडर अंदर निकलता है, या तो आप उसको बॉईल करिए और या तो उसी के अंदर एक छोटी वाली बाटल आती है जिसमें वाटर रहता है, आप उसको मिक्स करके बच्चे को पिला सकते हैं। उसके साथ में आपको जो पैरासिटामोल, सर्दी खांसी, फ्लू जैसे लक्षण हैं उन दोनों के साथ वो दवाई देनी है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। वैसे हमारी दवाइयों पर कई वीडियो बनी हुई हैं कि बच्चे को अगर बार बार तेज़ बुखार आता है तो आप जो एंटीबायोटिक दवा है उसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि अक्सर होता ये है कि बच्चे को जैसी फीवर आया आपने उनको जो भी उनको सूट दवा होती है वो पिलाई, उसके बाद रात में आप देखेंगे वापस जो फीवर है वो रिपीट होने लगता है। लगातार ऐसा 4 से 5 दिन होता है, कई दिनों तक चल सकता है। तो ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है और आपको क्या उपाय करने हैं दवाइयों को देने के साथ साथ, आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो हम ये वाली लेते हैं, जुकाम इन कोल्ड सस्पेशन, पैरासिटामोल, क्लोरोफोमाइन मल्टेट, फेनिलेफ्राइन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेशन। ये बच्चों को अगर सर्दी खांसी फ्लू लक्षण जैसे छींके आना या मौसम एलर्जी की वजह से बच्चे के गले में दुखने लगते हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, तब ये दवाई डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं बेबी को। ये 53 रुपीज़ में आपको मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। इसमें कई कंटेंट 8 KM है, पैरासिटामोल IP1 25 mg, फेनिलेफ्राइन 25 mg, इसका सन सायरप बेस कलर है। अब ये सुबह शाम आप इसको 7 ml दे सकते हैं। कितने एज के बच्चे को देना है, अगर आपके बेबी का मतलब कितने 3 साल का है या 4 साल का है तो आप उसे 7 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अगर बच्चा इससे छोटा है तो आप इसकी क्वांटिटी, जो ढक्कन आता है उस हिसाब से आप इसमें 3.5 ml कर सकते हैं। अब ये सर्दी खांसी फ्लू थी, हम इसके साथ ओमनटेक्स और सायरप देंगे। ये बेबी को अगर एलर्जी है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या यूरिनरी इन्फेक्शन है, गले में इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, तब देते हैं। और इसके अलावा ये कई चीज़ों में काम करती है, जैसे सूजन, कान में संक्रमण, आँखों में से पानी आना, उस तरीके से ये काम करते हैं। इसमें भी कई प्रपोजम एड किए हुए हैं, ये आप देखेंगे। आपको ये कितने दिन तक पिलानी है, 3 दिन तक पिलानी है। अब हम इसकी प्राइस की बात करेंगे तो 48 रुपीज़ में मिल जाएगी। ये ऐसे रहती है, इसके अंदर आपको वाटर जो है घर पे गर्म करना है और उसके अंदर इसको शेक करके देना है। आप कितना दे सकते हैं, 5 ml सुबह शाम दे सकते हैं और ये 53 रुपीज़ के। अगर आप पैरासिटामोल के साथ या आपके बेबी को जो सूट होती है वो दे सकते हैं, इसके साथ आप कोई सी भी दे सकते हैं। आपको जो निमोसेट AF या AMF आती है ये भी काफ़ी बेस्ट दवा है। इसके साथ भी आप ये वाले एंटीबायोटिक, आपको पाउडर वाली दवा ज़रूर देनी है। आप चाहे कोई सी भी दवाइयाँ लें, आपको ये वाली ज़रूर देनी है। तो यहाँ पर हमने तीनों की बात की, पैरासिटामोल और जो एंटीबायोटिक पाउडर वाली दवा लेती है आप, उसके साथ इसमें से कोई सी भी दवा दे सकते हैं। अब नेक्स्ट है आइबोजेसिक प्लस पैरासिटामोल। ये दवा काफ़ी बेस्ट और अच्छी है अगर बच्चे को लगातार बहुत तेज़ बुखार है और आप इनमें से सभी दवाइयाँ यूज़ कर चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ रहती हैं जो आपने बच्चे को बहुत अधिक पिला दी है, लेकिन जैसे ही बेबी को दवा पिलाते हैं तब ठीक रहता है, फिर बाद में वापस उसको फीवर चढ़ जाता है और रिपीट होता है बार बार। तो आप आइबोजेसिक प्लस पैरासिटामोल एंटी ग्लेसेस एंटी प्राइटिक, मतलब जो बुखार वाले सिम्टम्स रहते हैं उसको रोकता है, उसको रिलीफ करवाता है। पैर हाथ में सूजन है, दर्द है, बच्चा ठीक से बोल नहीं पाता, काफ़ी सुस्त रहता है, तब आप ये दे सकते हैं। केडॉक से ये भी एंटीबायोटिक है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इंकिन इन्फेक्शन, हड्डी का संक्रमण, अगर बेबी को कहीं घाव है किसी कारण, उससे भी अक्सर बच्चों को फुंसी हुई या उसको दाने हुए, उससे भी कभी कभी सर्दी खांसी जुकाम से भी फीवर आ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि लगातार फीवर आए, अगर बेबी को कहीं लग गई है या फुंसी हो गई किसी के कीड़े के काटने से भी बेबी को फीवर आ जा सकता है, जिससे बेबी सुस्त रहता है, तो ये एक एंटीबायोटिक ये वाली दवा है।
इसके साथ आप कोई सी भी जो बच्चे को एंटीबायोटिक सूट होती है आप उसके साथ पैरासीटामोल आप खाली ना दें। बच्चे को ऐसा हल्का फुल्का बुखार आता है तब आप खाली पैरासीटामोल कोई सी भी दवा दे सकते हैं जो आपके बेबी को सूट होती है, लेकिन अगर बेबी को बार बार बुखार और फीवर रिपीट होता है, सर्दी खांसी फुल हो जाते हैं, तो आपको एंटीबायोटिक के साथ पैरासीटामोल जरूर देनी चाहिए, इससे बेबी ठीक होगा। तो यहाँ पर हमने इस बारे में बात की। अब हम देखते हैं नोवालेक AF, ये फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरोफ्रोमाइन मल्टी सायरप है। नोवालेक AF सायरप नाम है इसका। ये 60 ml में है, 66 rupees में आपको मिलेगा। ये भी काफ़ी बेस्ट दवा है। बेबी को अगर बार बार फीवर, सर्दी खांसी, छींके आना या गले में खराश है, स्किन इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, उसमें ये दवा डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं। या आप चाहें तो इसको नॉर्मली अकेली भी ले सकते हैं। अगर बेबी बार बार बीमार पड़ता है तो आपको एंटीबायोटिक वाली जो पाउडर वाला सायरप है वो ज़रूर लेना है। के कोल्ड पैरासीटामोल सिट्रिजन फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सस्पेंशन के कोल्ड 60 ml में आपको मिलेगा, 70 rupees में मेडिकल स्टोर पर। कोपरन कंपनी का ये वो प्रोडक्ट है, एंटी एलर्जिक एंटी कोल्ड सस्पेंशन। अगर बेबी को किसी चीज़ से एलर्जी है, बार बार बेबी को जैसे ही मौसम चेंज हुआ गले में खराश होती है, वो अच्छे से सो नहीं पाता है, उसको नींद नहीं आती, तब आप ये दवाई दे सकते हैं। खांसी, सर्दी, फ्लू, बुखार या उसको किसी चीज़ से इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सुजाक है हाथ पैर में वो आती है, तो आप ये दवा ले सकते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक दवा है, बैक्टीरियल प्रतिरोधक हानिकारक प्रभाव को बचाने के लिए बच्चों को दी जाती है। नेक्स्ट है केरालाइड MP मेफेनेमिक एसिड पैरासीटामोल सस्पेंशन। अब आप ये देखेंगे कि हो सकता है आपको मेडिकल स्टोर पर कभी बाई चांस ये वाली केरालाइड MP वाली नहीं मिले, तो आप मेफेनेमिक एसिड नाम से कई ब्रांड की दवाइयाँ मिलती हैं पैरासीटामोल सस्पेंशन, आप वो भी बच्चे को देखकर दे सकते हैं। तो ये आपको 28 rupees में मिलेगी, ये बुखार की दवा है, ये आपको सुबह शाम 5 ml देनी है। अब इतनी सारी यहाँ पर हमने दवाइयों की बात की, तो आप अगर आपके बच्चे को मैं सभी दवाई के इकट्ठा आपको बता देती हूँ, अगर आपका बेबी 0 month से लेकर 9th month या 1 साल के बीच में है तो आप उसे 5 ml या 3.5 ml दे सकते हैं। अगर बेबी को बार बहुत ज़्यादा दिक्कत है, सुबह शाम दोपहर आप ये दवाइयाँ दीजिए। अगर बेबी बड़ा है तो आप उसे 7 ml सुबह शाम दे सकते हैं। अब आप ये भी देखिए कि अगर बेबी का बहुत अधिक वेट है और वो बार बार फिर भी बीमार पड़ता है, उसकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, वो कम एक्टिव है, ज़्यादा सुस्त रहता है, तो आप उसे 10 ml सुबह शाम दोपहर दे सकते हैं। अब यहाँ पर है वेंट्रोज डेक्स कफ ड्राई सिरप, क्लोरोफ्रोमाइन मल्टे डेक्स्ट्रोफ्रेन हाइड्रोक्लोरोमाइड फेनिलएफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड सिरप। ये बच्चों को लगातार खांसी होती है, खांसी के साथ कफ आता है या खर खर की बहुत अधिक आवाज़ आती है, तब आप ये दवाई दे सकते हैं। ये भी आपको 5 ml सुबह शाम दोपहर देनी है। वेंट्रोज DX ये आपको 86 rupees में मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी। यहाँ पर हमने इतनी सारी दवाइयों की बात की, बच्चों को जो सूट हो आप वही दीजिए। ये आपकी जानकारी के लिए थी ये वीडियो छोटी सी, ताकि आप सभी की मदद हो सके और आपको कैसे क्या दवा लेनी है उस बारे में। अब यहाँ पर आप जब भी बच्चे को दवाइयाँ देते हैं उसको कुछ खिला दीजिए या उसको हल्का फुल्का नाश्ता करवा के दीजिए, क्योंकि अक्सर बुखार में बच्चा कुछ भी खा नहीं पाता है, उसके जो मुँह का टेस्ट है वो काफ़ी बिगड़ चुका होता है, क्योंकि अच्छा खाना नहीं लगता है, तो आप ये आगे पीछे दे सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे ओराटिल सस्पेंशन, ये सबसे बेस्ट दवा है इनमें। अगर आप इतनी सारी दवा दे चुके हैं और बच्चे को बिल्कुल भी फायदा नहीं होता, बार बार फीवर आ जाता है इतनी दवा देने के बाद, तो आप ओराटिल ड्राई सिरप ले सकते हैं। इसके साथ भी आपको नॉर्मली एक पैरासीटामोल दवाई लेना है जूनियर अल्टो। अगर आपके बेबी को बहुत अधिक डॉक्टरों को दिखा चुके हैं आप और दवाइयाँ देने के बाद भी उसको फ़ायदा नहीं होता है, तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ओराटिल सस्पेंशन लीजिए। आप ये अच्छे से इसका नाम देख लीजिए, आपको सुबह शाम 7 ml देना है। यहाँ पर इसके बारे में बताया है कि कैसे आपको बॉटल, इसमें अंदर पानी आएगा, बॉटल आएगा, ये भी स्ट्रेबलर वाटर फॉर रिकॉन्स्टिट्यूट, ये आप देखिए। अब यहाँ हम इसकी प्राइस की बात करेंगे, तो ये आपको 142 rupees में मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगी।
अब हम इसको खोल कर देखेंगे। अब इसमें इतना बड़ा वाला वो कप है, लेकिन आपको इतना बड़ा नहीं देना है क्योंकि आपका बच्चा छोटा है। आप बहुत अधिक मात्रा में दवाई की क्वांटिटी बढ़ा के पिलाते हैं तो इससे बच्चे का लेवर डैमेज हो सकता है, तो उस हिसाब से ये देखिए इसमें ऑरेंज। आप जैसे ही इसका पानी मिलाते हैं इसमें पानी आता है पूरा, ये फूल भरा हुआ। आप इसके अंदर इसको ऐड कीजिए, अच्छे से शेक कीजिए और इसको पिला दीजिए। ये काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है, बिल्कुल मीठा मीठा, बच्चा आराम से पी लेगा। अब अक्सर ये होता है कि बेबी को आपने जैसे ही दवा पिलाई, हो सकता है वो उल्टी कर दे, उसको सूट नहीं हो, तो आप थोड़ी देर उसको मना कर पिला लीजिए, क्योंकि बच्चे अक्सर दवाई पी नहीं पाते हैं, बहुत अधिक जिद करते हैं कि हमको नहीं पीना। तो आप उनको समझाइए, उसके बाद पिलाइए। और खाली पेट कोई सी भी दवा हो, कोई सी भी दवा ना पिलाएं, आप इसके साथ इसको पिला सकते हैं। अगर बेबी को जैसे सर्दी खांसी फ्लू पैरासिटामोल फेनिलएफ्राइन क्लोरोफ्रोमाइन मल्टीसोडियम है, अगर बच्चा नहीं पी पाता है तो आप उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पिलाइए। आपको 70 रुपये में मेडिकल स्टोर्स पर मिल जाएगी और ये 142 में मिलेगी। अगर आप इसके साथ और कोई सी पैरासिटामोल देते हैं तो दे सकते हैं, और बच्चे को बहुत अधिक बुखार आता है तो आपको आइबोजेसिक इसके साथ देनी है। आप एक बार ज़रूर देखिए, अगर आपका बेबी बार बार बीमार पड़ जाता है, उसको परेशानी होती है, तो ये काफ़ी बेस्ट दवाई है, आपको 3 दिन में ही पूरी ख़त्म हो जाएगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उन सब की भी हेल्प हो सके। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।